कल रात साढ़े दस बजे मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन अंसारी रोड में एक मर्डर हुआ था. इसमें एक 20 साल का मोहम्मद मुस्ताक घायल होके उसके बाद उनका डेथ हो गया था. कि अंसारी रोड में एक रौडी शीटर शानूर गाजी काला पत्थर के रौडी शीटर है वो, और उनके गैंग मेंबर्स टोटल 7 लोग मिलके इस एरिया में ये जो गुंडागर्दी कर रहा था रौडी शीटिंग कर रहा था उसके ऊपर ये जो मोहम्मद सली था मुस्ताक के उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया तो उनको तलवार नाइफ से मारा था और वो घायल हुआ था. उसके बाद ये जो मोहम्मद मुस्ताक थे उनको उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गया था पर वो रास्ते में मर गया. और जो अक्यूज्ड है शानूर गाजी उनके साथ 4 साथिया है पहलवान अलियास फरहान अब्दुल अल्ताफ और मोहम्मद अरबाज. ये चारों भी काला पत्थर और हुसैनियालम में रहने वाले हैं. उन चारों को भी हमने गिरफ्तार किया है. रात को उनको चेस करके 1 बजे उनको गिरफ्तार किया है. और 3 अफरोज समद और एक तीसरा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है तो तीनों को अभी हम ट्रेस आउट कर रहे हैं. आज उनको भी गिरफ्तार करेंगे. ये जो पहले A1 है शानूर गाजी इनके ऊपर पूरा 6 केसेस है. पिछले रौडी शीटर है हुसैनियालम और काला पत्थर एरिया में मर्डर केस में भी शामिल है. ये सभी लोगों के ऊपर हम डेफिनेटली रौडी शीट ओपन करेंगे और PDI एक्ट भी लगाएंगे और स्ट्रिक्ट कार्रवाई होंगी कि ऐसे दोबारा ना होने के लिए पूरे हम CCTV वगैरह उधर उस एरिया में और बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशंस काला पत्थर और फालकनामा चंद्रयान गुट्टा पहाड़ी शरीफ पूरा PS वालों से हम बहादुरपुरा कोऑर्डिनेशन रख के ऐसे जो रौडी शीटर से एक दूसरे से दूसरे रूट फिर के उधर जो मार रहे हैं उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे और ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना होने के लिए पूरे कार्रवाई करेंगे. सर ये हुसैनियालम में कितने दिन पहले हुआ था सर ये केस मर्डर का? हुसैनियालम में अप्रैल में मर्डर हुआ था. उसमें उनको गिरफ्तार भी किया था उनको A2 अक्यूज था और उसमें बेल आने के बाद ये जो इंसिडेंट है उसमें शामिल है. तो अभी इन लोग को PDI लगेंगे सर? डेफिनेटली ये सभी जो कल रात में इंसिडेंट किया है वो 7 लोग इनके ऊपर हम 2 केसेस रजिस्टर किया है आज और इनके ऊपर डेफिनेटली रौडी शीट भी ओपन करेंगे और PDI एक्ट भी डालेंगे और देखेंगे कि 1 साल तक दोबारा बाहर नहीं आने के लिए हम पूरा कोशिश. इसमें इंजर्ड कितने हुए सर? इस पूरे इंसिडेंट में एक का डेथ हुआ है मुस्ताक का और 2 लोग का इंजरी हुआ है और वो दोनों उस्मानिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो दोनों आउट ऑफ डेंजर है. दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज, लड़कियों की तालीम का मियारी मरकज, जहां बहुत ही उम्दा माहौल में तालीम दी जाती है. हाईली ट्रेन फैकल्टी की जेर निगरानी CEC, MEC, MPC, YPC कोर्सेस चलाए जा रहे हैं. मुकम्मल अंग्रेजी माहौल और तालीम के अलावा एडुकेशनल फील्ड ट्रिप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की सहूलत के साथ मुसलसिल 4 साल से लगातार 100% कामयाब नतायज. दाखिले जारी हैं, आज ही तशरीफ लाइए अपने लड़कियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आपका अपना इदारा खलम गर्ल्स जूनियर कॉलेज. मजीद तफसीलात के लिए DRDL रोड बाबा नगर और तारबंद रोड नज अनस मॉडल हाई स्कूल.